फ्लाइट मोड में डाल, फ्लाइट मोड में। ठीक नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार ठाकुर। आज आपको जो मैं वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रिपेयरिंग से रिलेटेड ही वीडियोज हैं। अभी आप मेरे डेस्क पे देख रहे हैं कि ये प्रोग्रामर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये RT809H है, ये RT809F है और ये इनिट का वॉयस प्रोग्रामर और ये आपका SBOD4 है ना। अगर हम बायोस प्रोग्रामर्स की बात करें तो स्वाभाविक है कि SBOD4 को बेस्ट माना जाता है, कि कहते हैं कि बहुत बढ़िया प्रोग्रामर है ना, मार्केट में भी काफ़ी लोग यूज भी करते हैं इसको। लेकिन क्या है कि मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं है, है ना, हमेशा डाउट में रहता है मेरे साथ ये, है ना। कारण कुछ भी हो, मैं इसको यूज भी नहीं करता हूँ, मैं पर्सनली तो यूज नहीं करता हूँ इसको, है ना, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, मेरा ट्रस्ट नहीं है। अब ट्रस्ट क्यों नहीं है, तो मैं बोलता भी हूँ, अब जिसको मानना होता है वो मानते हैं, जिसको नहीं मानना होता नहीं मानते हैं, है ना। हो सकता है कि केस मेरे साथ ही होता होगा ऐसा, और किसी के साथ नहीं होता होगा कि मैं क्यों नहीं इसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर क्या है, हमारे पास देखिए एक लैपटॉप रिपेयर होने के लिए आया था, रमाकांत सिंह जी हैं फरीदाबाद से, ये आए थे लैपटॉप रिपेयर करवाने के लिए। लैपटॉप रिपेयर हो चुका है, आपके सामने डिस्प्ले है। मॉडल कौन सा, इलाइट बुक 840G5 का है। केस क्या था इसमें, तो केस आपको मैं बता रहा हूँ कि नो डिस्प्ले का केस था, रैम पिक नहीं कर रहा था। तो जनरली क्या होता है, रैम पिक नहीं करता मतलब रैम का डिटेक्ट नहीं होता। इन्होंने अपने लेवल पे भी देखा था, अपने लेवल पे चेक किया था, तो इनका कहना था कि सर DRAM रीसेट नहीं बन रहा था। तो जाहिर सी बात है, DRAM रीसेट बनेगा कैसे, DRAM रीसेट के पिन पे जो वोल्टेज चाहिए वो प्रोसेसर तब तक उसको हाई नहीं होने देगा जब तक प्रोसेसर को रैम नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब तक रैम पिक नहीं होता, रैम डिटेक्ट नहीं होता, है ना। तो रैम डिटेक्ट नहीं हो रहा था, तो जाहिर सी बात है रैम डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या करके देखेंगे, बायोस करके देखेंगे। तो अपने तरफ से जो भी चेक करना था हम लोगों ने चेक किया, पता चला कि हाँ बायोस करके एक बार देखते हैं, बायोस करने से हो जाएगा। तो बायोस हमने किया, तो जैसे कि देख रहे हैं SBOD4 है, इसी का यूज करेंगे, है ना। इससे जब बायोस प्रोग्राम किया गया तो फिर प्रॉब्लम क्या आने लगी, कि पहले जो एम्पियर आ रहा था करीब 250 के आसपास आ रहा था, अब वो 250 के पास नहीं बल्कि वो 100 के पास आ गया एम्पियर, है ना। मतलब जब हम इससे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं ये भाई साहब ना बायोस को कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप कह सकते हो कि बोर्ड को ऑन नहीं होने दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से। पहले प्रॉपर ऑन तो हो रहा था, केवल रैम डिटेक्ट नहीं कर रहा था, तो 250 के आसपास मिली एम्पियर जा रहा था, लेकिन इससे प्रोग्राम करने के बाद इशू और ज्यादा बढ़ गया। ऐसा इशू बहुत लोगों के साथ आया होगा कि आपके पास केस आया, आपने देखा कि मेरा चलो इस स्टेज पर मेरा बोर्ड है, लेकिन जब आपने प्रोग्राम किया तो वो और बदतर स्टेज में चला जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, है ना। तो जो SBOD रखते हैं उनके लिए एक मैसेज है, है ना। तो हमें लगा कि चलो ये बायोस से दिक्कत आ रहा है, दूसरा भी बायोस ट्राई किया, सेम, है ना। तो फिर मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट इशू है इसके ऊपर, कि इससे कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। हमने इसको साइड कर दिया, हम आ गए इसके ऊपर, ये आपका RT809F है। इससे प्रोग्राम किया, वन शॉट में डिस्प्ले आया, वन शॉट में डिस्प्ले आ गया, एम्पियर कहाँ गया, 450 के आसपास एम्पियर चला गया, डिस्प्ले आ गया। और ये लाइव केस है, आपने देखा लाइव केस है, है ना, कि जब हम इस SBOD से प्रोग्राम करके बायोस को डाल रहे हैं तब दिक्कत आ रही है, और इससे कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं आई। और इस तरह का केस एक नहीं है, बहुत सारे मार्केट में ऐसे केस है, है ना। हो सकता है कि मैं जो वीडियो आपको समझाना चाह रहा हूं पहले किसी ने नहीं बनाया हो, लेकिन बहुत लोगों को ये बात पता है कि SBOD प्रॉब्लम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन जिन के पास SBOD है, अगर आपको लगता है कि बायोस करने के बाद ऐसा हो रहा है कि बोर्ड पहले ऑन हो रहा था, अब बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, SBOD को साइड करिएगा, आपके पास कोई दूसरा प्रोग्रामर है तो ट्राई कीजिएगा। और हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, आपको हर चीज दो रखने हैं, एक तो आप मेन के तौर पे रखिए और एक आप एक आपको बैकअप के तौर पे रखना है। तो हमारे पास बैकअप है, काफी सारे बैकअप है ना। SBOD है, RT809H है, ये हमारे पास इनिट भी है, RT809F भी है, हमारे पास बर्त्यानोब भी है, वो भी हम यूज करते हैं, है ना। लेकिन उससे ज्यादातर हम
आयो प्रोग्राम करते हैं। बायोस प्रोग्राम करने के लिए ये चार डिवाइस है हमारे पास, यही मार्केट में सबसे ज्यादा सेल भी होता है। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा सेल भी होता है, तो कोई फ्रेशर होता है, कोई फ्रेशर कहता है सर मैं कौन सा लूं, तो मैं तो कहता हूं कि भाई अभी पैसे कम लगाओ, अभी ये ले लो। इसमें 1.8 और 3.3 वोल्ट दोनों का सॉल्यूशन है, थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा रीड राइट करने में स्लो है। तो फ्रेशर कौन सा एक दिन में 10 बोर्ड रिपेयर करना है, एक दिन में एक बोर्ड भी रिपेयर कर लिया तो उसके लिए बहुत है फ्रेशर के लिए। तो उस हिसाब से स्लो भी है तो कितना फर्क आएगा, 2 मिनट का 3 मिनट का उससे ज्यादा फर्क तो आएगा नहीं, तो काम चल सकता है ना। इसके मुकाबले थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, एफ की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, पूरा का पूरा कवर अप है ना, इसी रेंज में आता है। आप ये भी ले सकते हैं लेकिन 1.8 में ये पंगा करता है। फिर बेस्ट बास प्रोग्रामर कौन सा है, तो हम बोलते हैं कि अगर आपके पास बजट है तो या तो ये ले लो या फिर ये लो। अगर आप एसबीडी लेते हो तो आपका क्या होता है, आयो प्रोग्रामर का भी काम हो जाता है इससे, है ना। लेकिन इसकी कॉस्टिंग है, मार्केट में कॉस्टिंग देख लीजिए, सबकी अपनी अपनी कॉस्टिंग है। कोई 22,000 का दे रहा है, कोई 25 का भी देता है, कोई 21.5 का भी देता है ना। तो सबकी अपनी अपनी कॉस्टिंग होते हैं, सबकी कॉस्टिंग सही है। जो 25,000 का दे रहा है वो भी सही है, जो 22,000 का दे रहा है वो भी सही है। कॉस्टिंग को लेके कोई ऐसी बात नहीं होती है, सबका अपना अपना होता है कॉस्टिंग, है ना। या फिर आप इसके पास जा सकते हो, है ना, ये सदाबहार प्रोग्रामर है ना, सबसे बेस्ट, मेरे को तो सबसे बेस्ट ये लगता है। एच जो है सबसे बेस्ट है, इसको तो मैं स्मार्ट बोलता हूँ। ये स्मार्ट है क्या? नहीं, ये स्मार्ट भी नहीं है। एसबीडी आपका स्मार्ट भी नहीं है। स्मार्ट कहने का मतलब क्या है, बायोस को आप जैसे मर्जी लगाओ, इस पे ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, ये पिक करता है, ये नहीं पिक करता, ये पिक नहीं करता, ये स्मार्ट नहीं है, है ना। फिर भी मार्केट में ये यूज होता है, बहुत सारे और भी फीचर्स है ना, और भी फीचर्स है। ये नहीं बोलूंगा कि मैं ये बेकार प्रोग्रामर है, लेकिन जो मेरे पास केस है और ये लाइव का केस है ना, सभी ने देखा कि आखिरकार क्या हुआ। और ये केस करने से पहले यहां पर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था, एसबीओडी से अगर काम ना बने तो यूज कर लेना इन दोनों में से कोई एक को, क्योंकि एसबीओडी पे मैंने आपको पहले बता दिया ट्रस्ट इशू है ना। तो ये केस जिसके पास भी आया हो, जिसके पास भी एसबीओडी है, तो बस ये ध्यान रखें कि बायोस प्रोग्राम करने के बाद अगर आपको लगता है कि बोर्ड मेरा पहले एटलीस्ट ऑन तो हो रहा था, अब ऑन नहीं हो रहा, तो इसको साइड करके आप कोई और प्रोग्रामर यूज कर लीजिएगा, है ना। आपके पास बैकअप के तौर पे एक प्रोग्रामर होना ही चाहिए, है ना, कोई ना कोई एक प्रोग्रामर रखिए तो आपका सही सही होगा। और इस तरह के मार्केट में काफी केसेस बढ़े हैं, काफी केसेस, मैं तो टेलीग्राम पे सपोर्ट भी देता हूँ, तो मेरे पास ऐसे काफी केसेस आए हैं कि मैंने देखा है कि प्रोग्राम करने के बाद सिचुएशन कुछ गड़बड़ हो गई है। अब क्यों गड़बड़ हो गई, सबके अपने अपने रीजन है, लेकिन मेरे पास जो अभी रीजन आया उसमें रीजन यही था, ये प्रोग्रामर है ना, इससे जब हमने प्रोग्राम किया तो अब तो बोर्ड एक तरह से प्रॉपरली ऑन भी नहीं हो रहा है, और इसको साइड करके जब हमने इसका यूज किया, हमारा बोर्ड प्रॉपर ऑन हो गया, केस सॉल्व हो चुका है। चार्ज कितना करेंगे, कितना चार्ज लेंगे, 2,500 कितना चार्ज, 2,500 रुपए चार्ज करेंगे नो डिस्प्ले केस सॉल्व करने का, है ना। चार्ज करने में कोई कोताही नहीं, क्योंकि इतना दिमाग भी तो लगाया, ये नहीं वो कराया, किया तो केवल बायोस प्रोग्राम, है ना। बोर्ड तो आपको डेट मतलब नो डिस्प्ले की कंडीशन में था, इतना टूल्स नहीं होता तो ये वापसी जाता। हाँ, एक चीज और है, हमारे पास क्या है, बैकअप के तौर पे काफी है, काफी सारे रिसोर्सेस है। अगर मान के चलिए हमारे पास केवल ये होता है, एसबीओडी होता, बाकी ये नहीं होता, तो ये केस हमारा वापस चला जाता। और इससे पहले एक दो केस हमारे वापस चले गए, आपको सही बात बताऊं तो इससे पहले एक दो केस वापस चले गए इसके ऊपर ज्यादा विश्वास करने के चक्कर में, कि हमने बोला कि चल करते हैं, किया नहीं हुआ, चल भैया दे दे वापस, नहीं हो रहा क्या करेंगे, है ना, दे दो वापस। तो उस केस में भी अगर हम पहले से थोड़ा सा इसको लेके चलते या इसको लेके चलते तो शायद हो जाता, इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखा दिया, तो कॉन्फिडेंस का परिणाम ये हुआ कि हमारे पास से भी एक दो केस वापस गए हैं, है ना। लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, इसको करते हैं भाई साहब साइड, है ना, हम इसको अब यूज करेंगे अच्छे से, इसको यूज करेंगे हम, इसको यूज करेंगे, इसको तो साइड में रखो अभी, है ना, ये हम स्टूडेंट को देंगे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस दिखाने के लिए, बताने के लिए, बताने। देखिए प्रोग्रामर तो जैसे हमारा क्या ट्रेनिंग सेंटर है, तो ट्रेनिंग सेंटर है तो हम ये कहते हैं कि हर चीज का एक्सपीरियंस लो, ये कैसे काम कर रहा है, एच कैसे काम करता है, एफ कैसे काम करेगा,
इवन बर्तनों कैसे काम करेगा, इनिट एसआईओ प्रोग्रामर कैसे काम करेगा, हर चीज का एक्सपीरियंस लो, है ना। 10 एम्पेयर का डीसी में आप कैसे सेट करते हो, 5 एम्पेयर का डीसी कैसे सेट करते हो, यूनिट का डीएसओ कैसे सेट करते हो, सिग्नेंट का डीएसओ कैसे सेट करते हो, हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह आप कौन सी एसएमडी यूज करते हो, 122 822, मतलब हर तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो हम तो हर चीज रखते हैं अपने पास, ठीक है ना। तो यही बताने के लिए आज का वीडियो था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।